देर से ही सही, मगर जब से इंस्पेक्टर सूरजभान ने ट्रैफिक थाने की कमान संभाली है तब से ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय दिखाई देने लगी है। इसी के चलते जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर रोकथाम को लेकर पुलिस कप्तान संगीता कालिया के निर्देश पर अब ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से जारी इस विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 1000 दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के चलान काटे जा चुके हैं। इसे लेकर पुलिस का दावा है कि बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस व जरूरी कागजों के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन चालकों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लोगों के न केवल चलान काटे जाएंगे बल्कि उन्हें यातायात नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। ट्रैफिक प्रभारी की माने तो सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के तमाम प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि सभी वाहन चालक अपने जरूरी कागजात अवश्य लेकर चलें, अन्यथा पकड़े जाने पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं से लेकर शहर के जागरूक लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान न केवल काबिले तारीफ है बल्कि लोगों को भी इस अभियान में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। साथ ही लोगों को चाहिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में कोई वाहन ना दें और उन्हें यातायात नियमों के बारे में जानकारी दें ताकि सड़क हादसों पर लगाम लग सके। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी। चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमने कल दिनांक 15-12 को भी जो विदाउट हेलमेट विदाउट डॉक्यूमेंट ऑटो वगैरह जो रखते हैं तो हमने बंद किए हैं। लगभग 750 चलान कल हमने किए हैं और ये आगे तक भी ये अभियान जारी रहेगा। हम ये चाहते हैं कि भाई हर व्हीकल वाला अपने डॉक्यूमेंट साथ रखे और हेलमेट लगा के चले। आज भी एक विशेष अभियान 9 से 5 का बताया जा रहा है। आज भी हमारा अभियान है और आगे भी अधिकारियों के आदेशानुसार जारी रहेगा।